अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुपर डिलीशियस गार्लिक पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है, वो भी ट्राई कर सकता है जिसको गोल रोटी बनानी नहीं आती है। तो ये है इस रेसिपी का ट्विस्ट। तो किस तरह से हमने मज़ेदार सा गार्लिक पराठा बनाना है और उसको इंजॉय करना है, चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बहुत ही फ्रेश लहसुन और फ्रेश धनिया मैंने अपने लॉन से तोड़ लिया था। जैसे कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि मैंने कुछ वेजिटेबल्स लॉन में ग्रो की हैं, तो वहाँ से ये दोनों चीज़ें मैंने ली थी। फ्रेश गार्लिक आजकल वैसे ही सर्दियाँ हैं तो इजीली अवेलेबल होता है और सस्ता भी होता है, तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पर व्हीट फ्लोर यानी गंदुम का आटा तकरीबन 1 कप और यहाँ पे मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर 1 कप। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्रश रेड चिली तकरीबन 1 टेबलस्पून, गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, और ये जो मैंने फ्रेश धनिया और फ्रेश गार्लिक इसका मैंने चॉप किया था, ये मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये है जी पोमीग्रेनेट सीड यानी अनारदाना, और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है, और इसके बाद यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ऐड किया था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ पे हरी मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। पहले इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, इसमें अनारदाने का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से अनारदाने को वॉश करना है और मोटा मोटा उसको कूट लेना है, और आपने इसमें स्लोली स्लोली पानी ऐड करना है। सबसे पहले मैंने 1 कप पानी ऐड किया था, फिर वो कम हुआ, फिर मैंने 2 कप। आपने इतनी क्वांटिटी के मुताबिक 2.5 कप यानी 2 और आधा कप जो है वो आपने पानी का इसमें ऐड करना है, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो कि हमारे पराठे बहुत ही जो है ना वो क्रिस्पी से बन जाए और उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो पतला पराठा बनता है। तो फाइनली जो है वो ये हमारा रेडी हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक का एक तवा ले लिया, उसको हल्का सा मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था, एंड देन उसके बाद आपने इस तरह के स्पैचुला के साथ या जो हमारे घरों में यूजुअली चाय बनाने वाला पौवा जिसे हम बोलते हैं, उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। वैसे आप उसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। एंड जी, ये जिस तरह ऊपर से कलर इसका चेंज हो चुका है, तो इस पॉइंट पे हमने इसको टर्न करना है, और आपने फ्लेम का ज़रा ख्याल रखना है कि आपने थोड़े लो फ्लेम पर इसको कुक करना है ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया था। पराठे के ऊपर आप ऑयल या घी जो भी आप अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं, अगर आप बटर ऐड करना चाहते हैं तो बटर लगा लें उसके ऊपर, और अगर आप बिल्कुल ही उसे कम ऑयल या घी में बनाना चाहते हैं तो वो भी डिपेंड आप पे करता है। तो ये फाइनली हमारा पराठा रेडी हो चुका है, और आप इसका माशाल्लाह से ऊपर से कलर देखें, और जिसको भी आप ये पराठा टेस्ट करवाएँगे ना, लिटरली बहुत तारीफ़ होने वाली है इंशाल्लाह आपकी। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि अगर आपने ये ट्राई किया तो कैसा बना, और इसकी पिक्चर आपने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लाजमी शेयर करनी है। तो फाइनली मैंने इसको अचार और केचप के साथ सर्व किया था। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, और अपने मील को या अपने पराठे को, अपने ब्रेकफास्ट में पराठे को इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें, फाइनली मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है, बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट है। तो अब बारी आ जाती है पराठे को टेस्ट करने की। एक ही बाइट लूँगी, एक से ज़्यादा मैंने नहीं लेनी है, क्योंकि बस फिर थोड़ा ख्याल भी रखना पड़ता है। खैर जी, ये अचार लिया है मैंने लीमू का, और उसके साथ मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक्चर अपनी पराठे की ज़रूर टैग करनी है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।